ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुध पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागर जातं सहगंधगुणातान्वितं संसजीवं साधवैतम सावधूतम परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णु पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण। 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, भगवान के नाम के बल पर अपराध करना। आठवां, हरे कृष्ण मंत्र के जप को वेदों में वर्णित किसी शुभ सकाम कर्म या कर्मकांड के समान समझना। नवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करना। दसवां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना तथा इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सभी अपराधों से बचना चाहिए जिससे उसे शीघ्रातिशीघ्र अभीष्ट सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो हम प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। हम भगवद गीता के 17वें अध्याय में हैं। 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग, जिसमें हमने आहार है ना, आहार यज्ञ तपस्या इनके जो है ना तीन प्रकार के जो है हमने समझे कि किस प्रकार सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी में आहार कैसा होता है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी में यज्ञ कैसा होता है, और तपस्या तीन तरह की होती है, शारीरिक वाणी और मानसिक। ये तीनों तपस्या सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी कैसे होती है ना। तो तामसिक तपस्या पेंडिंग है हमारी 17.19। ये श्लोक अभी हमको आज करना है क्योंकि कल हमने सिर्फ 17 और 18 किया था, जिसमें सात्विक तपस्या और राजसिक तपस्या थी। ठीक है, तो बेसिकली हम मेरे ख्याल से सब ये डिफरेंस समझ चुके हैं। सात्विक मतलब फल की आकांक्षा के बिना किया गया हो, कर्तव्य समझ कर किया गया हो, या किसी के भले के लिए किया गया हो, या शास्त्रों के अनुरूप किया गया हो, ब्राह्मणों वैष्णवों के अनुरूप किया गया कार्य जो होता है उसको सत्वगुणी कहते हैं। और रजोगुणी जिसमें हमारा खुद का हित छिपा रहता है, अपने भले के लिए, हमारे नाम के लिए, दंभ के लिए, लोग जाने, कुछ प्रति उपकार के लिए, ये सारी जहाँ पे भावनाएं होती है वो रजोगुणी हो जाते हैं। और तामसिक तो एकदम शास्त्र विरुद्ध कार्य होता है, जो शास्त्र विरुद्ध कार्य होता है वो तामसिक कहलाता है। ठीक है, मोटा मोटी डिफरेंस ये हम तीनों में, अब सब दान में हो, तपस्या यज्ञ हर चीज में ये फंडा काम आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा तीनों में डिफरेंस। ठीक है, तो कल हमने 17 और अध्याय 17 में कहते हैं, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। भौतिक इच्छा ना हो और परमेश्वर में प्रवृत्त हो, जो भक्ति में लगा हो, भगवान की प्राप्ति में लगा हो और दिव्य श्रद्धा हो जिसके अंदर, वो ये कार्य तीनों जो है तपस्या जो है सात्विक कहलाएंगे। फिर राजसिक तपस्या कहते हैं, जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान
सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसिक रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है और ना ही शाश्वत होती है। हमने ये पढ़ लिया। आज हम 19 को लेते हैं और 20th में प्रवेश करेंगे दान में। ठीक है, तो 19 को साथ में दोहराएंगे। मूढ़ ग्राहेण आत्मनः, मूढ़ ग्राहेण आत्मनः, यत पीड़िया क्रियते तपः, यत परस्य उत्सादन अर्थं वा, परस्य उत्सादन उत्पादं अर्थं वा वा, तत्तामसं उदाहृतम्, उदाहृतम्। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत्पीड़या क्रियते तपः, यत्पीड़या क्रियते तपः, परस्य उत्सादन अर्थं वा, परस्य उत्सादन अर्थं वा, तत्तामसम् उदाहृतम्, तत्तामसम् उदाहृतम्। तत्तामसम् मूढ़ग्राहेण आत्मनः यत् मूढ़ग्राहेण यत् पीड़या क्रियते तपः, यत् यत्पीड़या पीड़या क्रियते क्रियते तपः, तपः, परस्य उत्सादन अर्थं वा, परस्य परस्य उत्पादन अर्थं वा, उत्पादन अर्थं तत्तामसम् उदाहृतम्, तत्तामसम् उदाहृतम्। उदाहृतम्। अनुवाद। मूर्तावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसिक कहलाती है ना। तो इसमें चार पॉइंट्स बताए गए। मूर्तावश आत्म उत्पीड़ा मतलब खुद को तकलीफ देने के लिए, और अन्यों को विनष्ट करने के लिए तीसरा कारण, और हानि पहुंचाना है ना, ये चार कारण बताए गए। ठीक है, तो एक बार श्लोक देख लेते हैं। मूढ़ ग्राहेण आत्मनः मतलब मूढ़ ग्राहेण मीन्स मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ ग्राहेण मीन्स जिसको शास्त्रों का नॉलेज नहीं है, जो विवेकहीन है, जो सही और गलत में भेद नहीं कर सकता, जिसके पास ये नॉलेज नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको जो लोग बोल देते हैं बस उसी को मान जाता है। वो कोई बोलेगा अरे यही ठीक है यार ये कर, ऐसा घुसेड़ेगा इधर गाल में जब छेदे करेगा, वो नवरात्र में हम देखते हैं जब निकलता है ना कलश यात्रा, तब लोग ऐसा इधर घुसेड़ दे हाथ पैर में, इधर पे गाल में छेदे कर देते, बहुत सारे पीठ में सीने में बड़े बड़े जो है लंबे लंबे रॉड डाल देते और नाचते हैं उसके बाद, और पता नहीं क्या सोचते हैं कि माता प्रसन्न हो रही है। उनको शायद मालूम नहीं है कि ये सब करने का कोई फल ही नहीं है ना। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद लोग इतना पैदल जा जाते हैं साईं बाबा के पास, नंगे पैर पैदल चलते हैं 10 10 20 20 किलोमीटर, उनके पैरों में दर्द होता है, कांटे चुभते हैं, तो इसका क्या फल मिलेगा? तो प्रभुपाद कहते हैं इसका फल ये है कि आयोडेक्स वालों का धंधा बढ़ेगा। सिर्फ आयोडेक्स वालों का धंधा बढ़ेगा और कोई फल ही नहीं है, कितनी बड़ी बात। मतलब आदमी जो ये सब तपस्याएं कर रहा है उनका कोई फल ही नहीं है और उनको मालूम ही नहीं, वो सोच रहे हैं हमको बहुत बड़े बड़े जो है माता जो है बगले गाड़ी मोटर दे देगी, वो तो जो प्रारब्ध में उससे ज्यादा दे नहीं सकती, वो उसके कैपेसिटी में नहीं है ना, जो तुम्हारे प्रारब्ध में जो भाग्य में है बस ये है कि उसको जल्दी दे सकती है, वो जो 2 5 साल बाद प्रारब्ध में अच्छा लिखा है आपके पास वो तत्काल निकाल के दे देगी, अच्छा ले ले भाई तूने ये मेरे लिए तपस्या करी है तो तू रख ले। तो लोगों को लगेगा कि वाह माता प्रसन्न होती है और हमको देती है, लेकिन बेचारे मूर्ख मूढ़ ग्राहीण
ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो विवेकहीनता के कारण शास्त्रों को समझते नहीं है और जो है कुछ भी गलत सलत कार्य करते हैं ना। मूढ़ ग्राहण आत्मनः यत पीड़िया, मतलब अपने आप को ही पीड़ा प्रदान करते हैं। आत्मनः यत पीड़िया, खुद को अपने आप को ही पीड़ा पीड़ा प्रदान करते हैं। क्रियते तपह, ऐसी क्रिया करते जो तपस्या कहलाती हैं। परस्य उत्सादन अर्थम, दूसरों को भी विनाश करने के लिए, दूसरों को भी जो है कुछ किसी का ऐसी तपस्या करेंगे जो दूसरों को तकलीफ पहुंचे, दूसरों को नाश करने के लिए। तो ऐसी किसी को भी तपस्या मालूम है? एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? मेरे को तो ऐसी तपस्या समझ में नहीं। हाँ, एक तपस्या जैसे हम जानते हैं भस्मासुर है, उसने तपस्या करी कि मैं जिसको भी चाहूं उसके सर पे हाथ रखूं और विनाश हो जाए, है ना। और हिरण्यकश्यपु जो था उसने तपस्या करी कि मैं मरूं ना, फिर उसने जब उसको मिल गया वरदान तो उसने सारे यज्ञ साधुओं का नाश करना चालू कर दिया। तो ऐसी तपस्या जिससे दूसरों का विनाश हो सके, है ना। परस्य उत्सादन अर्थम, दूसरों का विनाश करने के लिए, वा मतलब ये भी, है ना। तत् तामसम उदाहृतम, उसको तांत्रिक, हाँ तांत्रिक भी बराबर है। आजकल देखते हम, मैंने तो लेकिन जीवन में कभी मैंने पर्सनली देखा नहीं, सुना जरूर है ये तांत्रिक होते हैं, है वो गुड्डा गुड्डी रखेंगे उसमें कुछ भी करेंगे तो एक्चुअल में आदमी को तकलीफ होना चालू हो जाती है, ऐसे मैंने सुना है, मैंने कभी देखा नहीं। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ इन सब चीज़ों में। पूरा अंधेरा कर देंगे, एकदम अग्नि में जो है तरह तरह का डांस करेंगे, फिर तकलीफ पहुंचाएंगे, बलि बलि भी चढ़ा देते हैं लोग, है ना। हम देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में तो आए दिन पेपर में आता है कि बच्चे की जो है बलि चढ़ा दी गई, काट दिया गया बच्चे को, छोटे से बच्चे को, है ना, गाय बैल को काट दिया गया, बलि चढ़ा दी गई। तो विनाश करने के लिए, दूसरों का विनाश करने के लिए जो तपस्या करी जाती है उसको तामसिक तपस्या करी जा कहते हैं, ठीक है। तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद, शील प्रभुपाद की जय। मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थी लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसिक तपस्या है। तो तपस्या करते हैं तो समझ में आना चाहिए कि हम मंग क्या रहे, है ना, तपस्या का उद्देश्य क्या है, ऐसी तपस्या करने का क्या फल जिसका रिजल्ट ओवरऑल पतन हो, जिससे हमारा नीचे जा रहे हैं हम, है ना। बहुत तकलीफ होती है भगवान को जब भगवान देखते हैं कि ये जो गले में इधर गाल में छेदा करके जो है डांस कर रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है उनको। भगवान को बोलते हैं मैंने इसको शरीर दिया, इतना मूल्यवान शरीर दिया, और ये देखो अज्ञानी क्या कर रही है, ये खाली बेवकूफ मेरे दिए हुए शरीर का, अनमोल शरीर को नाश कर रहा है, ये डांस कर रहा है, इससे अच्छा थोड़ा सा कुछ शुभ कार्य करे तो उसका उद्धार हो। वर्णाश्रम धर्म फॉलो करे, वो निष्काम कर्म योग करे, वो कर्म कांड करे जिससे कि उसका उद्धार हो, जो शास्त्र में विधि विधान है उसको फॉलो करे। ये सब बेफालतू की चीजें बनी हुई है जिसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। तो ऐसी तपस्याओं से दूर रहना चाहिए, तामसिक तपस्या कहलाती है, ठीक है। तो एक बार प्रभुपाद ने कहा है कि देयर इज इनफ तपस्या, डोंट क्रिएट योर ओन। प्रभुपाद ने बोला था कि बहुत तपस्या ऑलरेडी शास्त्रों में बताई गई है, अपनी अपनी मनोधारणा की नई नई तपस्या मत बनाओ। ये सब कर रहे हैं जो पैदल यहाँ जा रहे जो है साईं बाबा के पास, 10-10 किलोमीटर नंगे पैर, अरे हम तो नंगे पैर चलेंगे वहां पे, साईं बाबा की कृपा मिलेगी। साईं बाबा कहाँ से कृपा दे दे, वो तो एक जो है वैरागी हैं, वो कोई भगवान थोड़ी है, उनका नाम में भी आगे पीछे राम जोड़ देते हैं, अरे ऐसे ऐसा लंबा नाम रख दिया उनका जैसे वो स्वयं भगवान के जो है ना 25वें अवतार है। भागवतम में कहीं लिखा ही नहीं उनके बारे में, 25वां अवतार नया आया। तो ऐसे व्यक्तियों, ऐसे जो है लोगों से जो है ज्ञान नहीं लेना चाहिए जो बेवकूफ़ी वाली बातें बताएं। ऐसे पुरुषों, ऐसे साधुओं से दूर रहना चाहिए जो अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं। हमको शास्त्र देखने चाहिए, जो शास्त्र में जिनका वर्णन है सिर्फ वही भगवान है, उससे ज़्यादा कोई भगवान नहीं, ठीक है। साधु संत ऋषि महात्मा हो सकते हैं
लेकिन उनको भगवान बनाने की जरूरत नहीं, उनके लिए तपस्या करने की जरूरत नहीं, क्योंकि साधु संत तो स्वयं भगवान के दास होते हैं। वो तो चाहते हैं कि सिर्फ भगवान की भक्ति की जाए, मेरी भक्ति कोई ना करे, भगवान की भक्ति करे, ऐसा चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि तुम मेरी शरण में आओ, मेरी पूजा करो, कोई नहीं चाहते। ठीक है, तो अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, श्लोक क्रमांक 20, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 20 नंबर श्लोक, क्योंकि ये हमारे रोजमर्रा की जीवन में बहुत इफेक्ट डालता है। ये सात्विक दान, अब दान में आ रहे हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक दान की चर्चा करेंगे भगवान। 20 नंबर में सात्विक दान की चर्चा करते हैं, तो श्लोक को रिपीट कर, श्लोक को साथ में दोहराते हैं। दातव्यम इति यत् दानम, दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च, तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम इति यद्दानम्, दातव्यम इति यद्दानम्, दीयते अनुपकारिणे, दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च, देशे काले च पात्रे च, तद्दानं सात्विकं स्मृतम्, तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम इति यद्दानम्, दातव्यम इति यद्दानम्, दीयते अनुपकारिणे, दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च, देशे काले च पात्रे च, तद्दानं सात्विकं स्मृतम्, तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अनुवाद, दातव्यम नहीं सॉरी, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो 5 पॉइंट्स इसमें भी बताए गए हैं। पहला है कर्तव्य समझकर, ड्यूटी समझकर दान दे रहा है। कौन अपनी ड्यूटी समझकर दान देता है? कोई ये सोचता है कि ये मेरे को, इसको मेरा कर्तव्य है इसको दान देना। अरे अरे, ये लोग तो, मैं जैसे हम अपने अपने पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, या अपने घर के लिए कोई कार्य करते हैं, या घर के लिए कुछ सामान लेने जाते हैं, वैसे क्या हम ऐसा सोचते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है कि बेस में मेरे को ये देना है, या किसी साधु को या ब्राह्मण को सुपात्र को हमको ये प्रदान करना है, ये मेरा कर्तव्य है, तो मेरी ड्यूटी, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? क्या इस तरह की भावना आती है हमारे में कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मेरी ही तो जिम्मेदारी है, भगवान ने मेरे ऊपर ये, मेरे सर में ये जिम्मेदारी छोड़ी हुई है कि इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, कम से कम एक पोर्शन जो हम कुछ भी कर सकते, दान दे सकते हैं या कोई सामान की व्यवस्था कर सकते हैं, कुछ अन्न की, चावल की, दाल की, या सब्जी की, भाजी की, आलू की, है ना, प्याज की नहीं करनी हमारे को, प्याज तो कोई खाता नहीं है हमारे में, प्याज लहसुन नहीं है, या कोई और दूध की, दही की, पनीर की, कुछ भी, शक्कर की, ग्रोसरी की, कुछ भी, क्या उसकी किसी भी एक चीज की हमने जिम्मेदारी उठाई है कि ये तो मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं, मेरे को ही करना पड़ेगा और कोई नहीं करेगा ये? क्यों? क्योंकि भगवान ने मेरे ऊपर ये इतना सक्षम बनाया मेरे को कि देखो, बहुत जरूरी समझना कि ब्राह्मण हो, ब्राह्मण मीन्स ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य आश्रम में जो है, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में है, चाहे जो है सन्यास आश्रम में है, ये तीनों आश्रम वाले धन नहीं कमाते, उनके पास कोई पैसा नहीं रहता, तो इनको जीवन जीने के लिए इनको पैसा कौन प्रदान करेगा? ये गृहस्थ का कार्य है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे, चाहे ब्रह्मचर्य हो, वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, इनका भरण पोषण, इनके रहने की, इनके उठने बैठने की, सोने खाने की, पूरे जीवन यापन की व्यवस्था की जिम्मेदारी गृहस्थ के ऊपर है।
ये उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो कमाते नहीं, करते क्या है वो लोग सिर्फ कृष्ण की सेवा, पूजा अर्चना और पूरा अपना जीवन उनके भक्ति में, उनके प्रचार में लगा देते। तो उनकी जिम्मेदारी किसकी है? ये गृहस्थों की है। तो गृहस्थ को ये समझना चाहिए कि ये मेरा कर्तव्य है, ना कि मेरे ऊपर बोझ है, ना कि ये जबरदस्ती मांगते रहते यार हम अपना घर देखे, हमको अपना गाड़ी खरीदनी है, हमको तो घर में खुद के लिए इतने सारे खर्चे नहीं हो पा रहे, हम कहाँ से इनका करें? क्या हम अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े खर्चे नहीं करते? क्या कोई भी ये बता सकता है कि वो अपने लिए खर्चा नहीं करता? अपने लिए सब खर्चा करता है आदमी, बड़ी बड़ी चीजें ले लेता है आदमी, जुगाड़ कर लेता है, मेहनत करता है, इकट्ठा करता है ना, अपने बच्चों के लिए तो क्या नहीं करता है? दुनिया से लड़ता है, पाप करता है और उनको ला ला के देता है, ला ला के देगा, दूसरों से लड़ भिड़ के देगा। लेकिन क्या कभी उसके अंदर ये जिम्मेदारी आई है कि ये बच्चों से बढ़कर तो ब्रह्मचारी हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मैं उनको क्यों नहीं दे रहा हूं? उनको कौन देगा? उनकी जिम्मेदारी किसकी है? आखिर कौन है उनका जो उनको देगा? इतना बड़ा मंदिर बन रहा है जहाँ भगवान की दिन रात सेवा हो रही है, तीनों चारों टाइम भोग लग रहा है भगवान को, भगवान के कपड़े, एक से एक कपड़े भगवान के आ रहे हैं, भगवान की सारी सुविधाएं सुलाने की, उठाने की, जगाने की, उनके सामने पूजा करने की सब व्यवस्थाएं की जा रही है, शुद्ध सारे सात्विक भोजन की व्यवस्था, भोग चढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। तो ये सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन आज हमारी नहीं है तो कौन करे? सरकार करेगा है, कोई पड़ोसी करेगा, कौन करेगा? हमको ही करना पड़ेगा। और ये कर्तव्य हमको समझना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी, ये समझ के कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सबको 50% देना है, 25% देना है, 10% देना है, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन जो सुविधाजनक ऐसा लगता है कि नहीं मैं इतना देने में सक्षम हूँ, कम से कम ये जिम्मेदारी समझ कर देनी चाहिए, जिम्मेदारी मानकर मेरा कर्तव्य है, मैं ही तो करूंगा और कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ऐसा सोच के आगे बढ़ना चाहिए हमको। बहुत ये भावना रखने से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, हमारे हृदय में बैठे बहुत प्रसन्न होते हैं। देख मतलब जितनी जिम्मेदारी पुत्र की है, जितनी जिम्मेदारी पुत्री की है, जितनी जिम्मेदारी घर की है, जितनी जिम्मेदारी माँ की है, जितनी जिम्मेदारी बाप की है, उसी प्रकार उतनी जिम्मेदारी हमारे ऊपर कृष्ण की भी है। भगवान वैसे ही कहते हैं, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्षाम यजुर्वेद च, मैं ही तो पिता हूँ, मैं ही तो माता हूँ, मैं ही तो धाता हूँ, मीन्स तुम्हारा जो भरण पोषण है वो मैं कर रहा हूँ, मैं ही तुम्हारा पितामह हूँ। भगवान हमारी सारी व्यवस्था कर रहे हैं और हम ही जो है उसको वहां पे बोलते हैं नहीं नहीं भगवान की व्यवस्था हम नहीं कर सकते, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये गलत है, हमको जो मिल रहा है उनकी कृपा से ही तो मिल रहा है, ठीक है। तो कर्तव्य समझकर, दातव्यम मीन्स जो दान कर्तव्य समझकर किया गया, इति यत इस प्रकार, दानम दानम में जो दान देता है, दीयते दिया जाता है, अनु उपकारिणे मीन्स अनु उपकार, कोई उपकार कर रहा हूं ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। उपकार करने की भावना आती है तो वो अहंकार आ जाता है, फिर वो हमारा रजोगुणी चले जाते हैं, हम रजोगुणी और तमोगुणी में चले जाते हैं। ये समझना चाहिए कि मैं तो सेवा कर रहा हूं। कई लोग दान देते हैं, अरे प्रभु जी रखो हमारी तरफ से, नाम चढ़ा देना हमारा है, हम ही जो है हम दे रहे हैं ना, आपको क्यों चिंता कर रहे हो? अरे करो करो, आप जन्माष्टमी का प्रोग्राम करो, मैं देता हूँ ना तुम्हारे को, कितना चाहिए बोलो। ये भावना जो होती है ना, मैं दे रहा हूँ, ये उपकार देने वाली भावना होती है, मैं उपकार कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऐसे नहीं करना चाहिए, हमारे को तो सेवा की भावना रखनी चाहिए। प्रभु जी मेरे लिए कोई सेवा है तो बताओ, मैं सेवा करूंगा, मैं भगवान की सेवा के लिए तो आया हूँ, ये भाव होना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचें कि मैं प्रत्युपकार कर रहा हूँ, उपकार कर रहा हूँ मतलब अरे मैं देने वाला हूँ, मैं सक्षम हूँ, मेरे कारण हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं देशे, देशे मीन्स ऐसे स्थान, देश मीन्स स्थान की बात चल रही है, पर्टिकुलर दान देने में स्थान का इम्पोर्टेंस होता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है, कौन से स्थान में आप दान दे रहे हो, है ना। मंदिर के बाहर बैठा है भिखारी और एक दारू दुकान के बाहर बैठा है भिखारी कौन सा भिखारी उपयुक्त है बताओ?
दारू दुकान बोले दोनों तो सेम है। कई लोग बोलेंगे अरे वो भी तो बेचारा गरीब है, ये भी गरीब है, अब यहाँ बैठा है वहां बैठा है, उससे क्या फर्क पड़ना। देश का बड़ा इम्पोर्टेंस है, उसको जो दोगे वो जाके तुरंत वहां से पौवा खरीद के पिएगा, और यहाँ जो मंदिर के बाहर जिसको दोगे वो भी हो सकता है पौवा खरीद ले, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चांसेस थोड़े कम है ना। लेकिन यहाँ कहे गए देशे मीन्स ऐसी जगह जाना चाहिए दान देने जहाँ पे धाम हो, जो तीर्थ यात्रा हो, जैसे वृंदावन धाम में गए वहां पे आपको दान देना चाहिए। वहां पे गोवर्धन यात्रा परिक्रमा कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े साधु हैं, 10-10 साल से परिक्रमा कर रहे हैं, वहां लगे हुए हैं बेचारा जीवन यापन करने के लिए, उनको दान देना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि धन ना देके हमको उनको जो है प्रसादम देना चाहिए, कुछ सामान दे के लेके दे देना चाहिए जो उनकी जरूरत हो, जैसे कंबल हो गया, या कोई उनको उत्तरी हो गई, या धोती हो गई, या अनाज हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, इस तरह का हमको दान देना चाहिए। कोशिश ये करें, धन को देने से एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो धन का उपयोग क्या कर रहा है ना। अगर वो उपयोग तो ठीक कर रहा है तब तो आपका धन सदउपयोग में चला गया, लेकिन अगर वो उपयोग गलत कर दिया उस धन का है ना, तो फिर आपका भी श्रेय आ जाएगा कि आपने उसको वो चीज लेके दे। बहुत बहुत देखो सूक्ष्म ज्ञान है, कितना बारीक साइंस चल रहा है इसमें भगवत गीता में। ठीक है, देशे, और हम जानते हैं कि ऐसी जगह जाके दान देने का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। अगर हम 100 रुपए रायपुर में किसी ब्राह्मण को, किसी जो है ऋषि महान साधु को देंगे, तो वह 100 रुपए कहलाएगा, लेकिन अगर वही 100 रुपए हम जाके वृंदावन धाम में या मायापुर धाम में जाके किसी को दान देंगे तो उसका फल 1000 गुना मिल जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है कि देशे, स्थान का इम्पोर्टेंस है, अगर गलत जगह दान देंगे तो दान व्यर्थ हो जाएगा, वो कोई काम का नहीं रहेगा, उल्टा पाप चढ़ जाएगा। और काले, काले मीन्स समय, कौन से काल में, कौन सी समय में, कौन से जो है टाइम फ्रेम में आपने दान दिया है ना। रात को 12 बजे पार्टी करके आ रहे हैं और बगल में गरीब लेटा है उसको दान दे दिए, तो ये काल सही नहीं है, ये तमोगुणी है, इस काल में दान नहीं देना चाहिए। काल मीन्स समय ऐसा होना चाहिए जैसे एकादशी का दिन है, एकादशी का दिन बहुत महत्व, बहुत ज्यादा महत्व है उसके एकादशी का, तो वेट करना चाहिए। सपोज करो हमको दान देने का हमने प्लान कर लिया है कि नहीं मैंने ना 100 कंबल बांटने, तो 100 कंबल बांटने के लिए क्या करना चाहिए, पहले वो 100 कंबल को हमको कृष्ण के पास अर्पण करना चाहिए कि प्रभु अपनी कृपा डालो इस पे, आपका ये तदीय वस्तु बने, आपकी इसमें दृष्टि जाए, आपकी चीज जो रहेगी वो दिव्य हो जाएगी, तब हम इसका जो है ना इसको दान दे सकते हैं। हम कृष्ण का प्रेम बांट रहे हैं, तो फिर वो एक दिन वहां पे रखें, फिर एक इंतजार करें एकादशी का, जिस दिन एकादशी आए उस दिन फिर उसका वितरण करें। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन दान देने का महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार दान देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे कहते हैं देशे काले च पात्रे च, अब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया पात्रे च। पात्रे मीन्स उपयुक्त व्यक्ति को ही दान देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आजकल इसमें यहीं पे ही सब लोग मार खा जाते हैं, किसी को भी दान दे देंगे। हैं वो गुटखा खा के आ रहा है, अरे दादा कुछ तो दे दे, गुटखा मुंह में फंसा हुआ है उसके, मुंह से बदबू आ रही है दारू की, उसको भी उठा के लोग 20 रुपए दे देंगे, बेचारा गरीब है, कपड़ा फटा हुआ है, अरे वो पात्रता ही नहीं रखता है, उसको दान दे रहे हो आप उसका, आप समझ रहे हो, ऐसे व्यक्ति को दान देने का मतलब है आपने पाप कमा लिया। क्यों? क्योंकि अगर वो एक बार भी दारू गुटखा खरीद लेगा तो ये माना जाएगा कि आपने उसको दारू पिलाई, और आपने जब दारू पिलाई तो आपको उसको पाप भोगना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम किसको दान दे रहे हैं, व्यक्ति कौन है, क्या करेगा, ये चीज मालूम होनी चाहिए। ब्राह्मण को ही दान देने का शास्त्रों में लिखा गया है कि सिर्फ हमको ब्राह्मण साधुओं को ही दान देना चाहिए और किसी को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग सारे के सारे अपने कर्मों के अनुसार ही प्रारब्ध भोगेंगे। इसलिए हमको समझना चाहिए कि हमको दान सिर्फ ऐसे व्यक्ति को दे जो उस दान को कृष्ण की सेवा में, भगवान की सेवा में लगाए, ताकि हमारा दान व्यर्थ न जाए और भगवान की सेवा में वो दान लगे। तो सुपात्र के लिए जो है ना, एक मैंने कल निकाला डेफिनेशन, वह ब्राह्मण
जो अपने लिए ना ले और जो दाता को अपने ज्ञान और तपस्या से रक्षा कर सकता है वही सुपात्र। तो यहाँ पे जो सुपात्र है ना उसका डेफिनेशन क्या है ना, ये जो है डेफिनेशन शिला भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो है एक्सप्लेनेशन से मैंने निकाली है। उसमें कहते हैं सुपात्र कौन है, वह ब्राह्मण है सुपात्र जो सबसे पहले अपने लिए ना ले, खुद के लिए ले रहा है मतलब सुपात्र है ही। तो हम जिनको जिनको दान देते हैं वो क्या खुद के लिए नहीं लेते हैं? अब आप थोड़ा सा गहराई में जाके देखेंगे, जिनको भी दान देते हो तो सब अपने लिए लेते हैं, जिसको भी दान देते हैं वो उसका उपयोग सिर्फ अपने लिए करता है, तो फिर तो दान किसी को देना ही नहीं चाहिए। आज रेलवे स्टेशन में, बस स्टॉप में, रोडों में, मंदिर के बाहर, कहीं पे भी, हॉस्पिटल के बाहर, जिनको भी हम दान दे रहे हैं वो सारे के सारे सिर्फ अपने लिए दान देते हैं। ये तो निश्चित अपने लिए लेगा और किसके लिए लेगा दान? तो कुल मिला के वो उसकी पहले पात्रता ही खत्म हो गई, वो उसको दान लेना ही नहीं है। खुद के लिए लेगा तो दान ही नहीं ले सकता, उसको देना ही नहीं हमारे को, क्योंकि वो खुद के लिए ले रहा है। अब दूसरा पॉइंट, और जो अपनी अपने ज्ञान और तपस्या से दाता की रक्षा कर सकता है, जो देने वाला है उसकी रक्षा कौन करेगा, जो लेने वाला है वो कैसे रक्षा करेगा, क्योंकि वो ज्ञानी है और वो तपस्वी है। जैसे हमारे जो है वैष्णव लोग जिन्होंने इतनी तपस्या करी, 10-10 साल से 16 माला कर रहे हैं। मैंने कल भी चर्चा करी थी, जो 7 साल तक लगातार प्रसाद खाता है उसका शरीर पूरे का पूरा, जो सेल्स होते शरीर की, हर मसल, हर ब्लड, हर चीज जो है वो दिव्य हो जाती, क्योंकि वो प्रसाद से बनी हुई है। तो जिसका शरीर पूर्ण रूप से दिव्य हो चुका है, जो प्रसाद का पूरा बना हुआ है, जो भगवान का साक्षात जिसको दिव्यता प्रदान है, आशीर्वाद प्रदान है, ऐसे व्यक्ति को अगर हम दान देते हैं तो उसके मुख से निकला हुआ वाक्य सत्य हो जाता है और वो अपने लिए कभी नहीं लेता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी वैष्णव अपने लिए पैसा नहीं लेता, क्योंकि उसकी जरूरतें कितनी होती, उसकी जरूरतें होती नहीं है। दो तो कुल मिला के वो जो है ना उत्तरी रखेगा, दो धोती रखेगा, और क्या रखेगा, और चाहिए क्या उसको? भगवान की सेवा सबसे पहले है, जो आए सबसे पहले भगवान की सेवा में लगे, भगवान को प्रसाद लगना चाहिए, भगवान की व्यवस्था, भगवान के मुकुट, भगवान का वस्त्र, ये सारी चीजों में उसका ध्यान रहता है कि किस प्रकार भगवान का कोई त्योहार है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है ना, कुछ भी है, सारे कैसे बनेंगे, इसमें उसका ध्यान रहता है, इसलिए वो धन इकट्ठा करता है। बहुत जरूरी है कि वो तपस्वी हो, वो ज्ञानी हो, और ये बहुत जिम्मेदारी है। जो दान ले रहा है उस दान के बदले उसको देना जरूर है, कुछ ना कुछ देना है। तो जो वैष्णव है वो क्या दे सकता है? वो ज्ञान दे सकता है, वो बता सकता है, सिर्फ इतना ही बता देगा ना, आप हरे कृष्णा करो आपका उद्धार हो जाएगा। तो इसमें गलत तो नहीं है, सच है। एक बार भी कोई हरे कृष्णा बोलता है तो उसका यमदूत में जाना, उसको वो निकल जाता है, नीचे नरक लोक में नहीं जाएगा अगर एक बार भी वो हरे कृष्णा बोल देता है, कृष्ण का नाम ले लेता है। तो इतना जो ज्ञानी है, जो अपने ज्ञान से दूसरों की रक्षा कर सकता है, उसको ही हमको दान देना है, वही सुपात्र है। तो अगर अब इस श्लोक को देखेंगे तो अब बताओ किसको हमको दान देना है? इस श्लोक के हिसाब से ऐसा नहीं सोचना है कि हम इस्कॉन वाले हैं इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि इस्कॉन में दान दो, ऐसा नहीं सोचना। ये श्लोक एग्जैक्टली कह क्या रहा है हमको ये बताइए, आप कौन बताएगा? यस मीनाक्षी माता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं लग रहा है। हाँ प्रभु जी, जो सुपात्र है, जो धन का सही उपयोग करे, हमको उन्हीं को लेना चाहिए। एक्चुअली मैंने प्रभु जी, मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखा है कि मंदिरों का फंड कैसे यूज किया जाता है, इसी कारण मैं मंदिरों में दान देना भी प्रेफर नहीं करती हूँ। अच्छा, क्या देखा आपने? प्रभु जी, हमारे एक नेबर है, उनका बिजनेस ही यही है, टेम्पल बनाना और वहां से फंड कलेक्ट करना। उन लोग बहुत मिसयूज करते हैं कलेक्शंस का, बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। लोगों ने बिजनेस बना लिया इसको। जी प्रभु जी,
बहुत सारी जगह खोल के रखे हैं। एक रायपुर का बहुत फेमस टेम्पल है अपना, ये अवंती विहार वाला, वो उन्हीं का टेम्पल है अच्छा जी। तो तब से मुझे समझ में आ गया कि दान तो नहीं देना है, पर इस्कॉन में आके मुझे पता चला कि सात्विक दान क्या होता है गीता पढ़ने के बाद। ठीक है, और कौन बताना चाहेगा कि अब ये पढ़ने के बाद दान किसको देना है? यस बोलिए गौतम प्रभु बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि जो अपने लिए जो सिर्फ दान इस्कॉन दे, को प्रभु जी। सिर्फ इसको। यस गौतम प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, ऐसा हम ऐसे व्यक्ति को दान देना है जो अपने लिए नहीं देता है, वो सिर्फ भगवान की सेवा के लिए। जैसे कि इस्कॉन में मतलब जो फुल टाइम जो मतलब ब्रह्मचारी रहते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, प्रचार में यूज करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे इवेंट्स मतलब कराते हैं जिसमें और भक्त हैं जिनको मतलब हरे कृष्ण महामंत्र मतलब उद्धार के लिए जो भी कराते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति को जैसे कि सुपात्र स्थान योग्य इन्हीं को देना चाहिए प्रभु जी। यस रोहिणी नंदन प्रभु आप बताइए। हाँ प्रभु जी, इस्कॉन को तो देना चाहिए, ठीक है प्रभु जी, यहाँ पे तो बहुत सही यूटिलाइज होता है, लेकिन उसके साथ साथ में जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो गौ गौ माता की सेवा कर रही हैं, उनको जो चारा करते हैं, चारा खिलाते पिलाते हैं, जो भी है उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको दे सकते हैं हम उसमें दान। ये भी मतलब पात्र सुपात्र हो गया दान जो है। और जैसे वृद्धाश्रम खोल के रखे हैं, वृद्धाश्रम में भी जैसे बूढ़ी मतलब बूढ़े लोगों का जो सेवा कर रहे हैं, जो ओल्ड एज के हैं, उनको भी हम चाहे तो दान दे सकते हैं। जहां तक मेरे हिसाब से ये भी सात्विक दान ही होगा। ठीक है, चर्चा करते हैं उसके बारे में। ठीक है, यस रघुनाथ दास जी आप बताइए। हरे हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम जी। प्रभु कृष्ण। आपने बताया कि वैष्णव ब्राह्मणों को तो दान देना ही चाहिए उसके साथ में, और जैसे कि प्रभु जी, जैसे हम लोग जैसे नॉर्मली जैसे कोई घर में आ जाता है तो दान देते हैं, तो वो एक भावना से हम लोग दान देते हैं। जैसे अब पहले नहीं जानते थे तो भाई इसको दे देते हैं, कुछ तो पुण्य मिलेगा, ये एक भावना रहती है। मंदिरों में जाते हैं, बाहर भिखारी लोग बैठे हैं, उसको दे दिए 5-10 रुपए, चलो जो भी है हम पुण्य कमा लेंगे जैसा भी, ऐसा करके। तो ये एक भावना रहती है प्रभु जी। और बोलना चाहिए कि अब जैसे कि आपने सात्विक दान का बताया कि हमें ब्राह्मणों और वैष्णवों को देना चाहिए मंदिर निर्माण के लिए, और उनके और जैसे गृहस्थों का अपना दायित्व है, कर्तव्य है कि उनकी सेवा में हमको दान देना चाहिए, तो ये समझ में आया प्रभु जी अभी, बस ये बात। ठीक है, यस यस सत्यम प्रभु बताइए। हरे हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु कृष्ण। जी। सबसे पहला पॉइंट मैंने नोट किया कि जो आध्यात्मिक ज्ञान का वो दान करें, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात यह है कि जो सालों सालों से तपस्या कर रहे हैं और सोलह सोलह माला कर रहे हैं, जैसे वृंदावन हो गया, मायापुर हो गया, जो कृष्ण के धाम है, मतलब जो भगवान के लिए ही समर्पित है, अपने आप को समर्पित कर बैठे हैं, जो ब्रह्मचर्य की लाइफ जी रहे हैं, तो उनको हमें दान करना है। बिल्कुल ठीक है। यस श्री राम प्रभु आप बताइए। हाँ प्रभु जी, हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो हमारे द्वारा दान किया गया पैसा है वो डायरेक्ट भगवान की सेवा में लग रहा है। भगवान की सेवा, जैसे कि उनके भक्तों की भी सेवा में जो लग रहा है, भक्तों की सेवा जैसे कि भक्तों के प्रसाद में, तो वैसा सब इंश्योर कर लेना चाहिए, उसके बाद दान देना चाहिए। और जैसे कि पहले प्रभु जी लोगों ने बताया कि वैष्णवों को और ब्राह्मणों को देना चाहिए वो। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब इसमें अब जैसे चर्चा चली कि हमको वृद्धाश्रम में या हमको गौ सेवा में या इस तरह से भी, जैसे हमारे रोहिणी नंदन प्रभु जी ने बताया कि हम दे सकते हैं, तो ये दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा क्लॉज है कि जिसको भी हम गरीबों को भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप कोई भिखारी को ऐसा नहीं है कि मना कर रहे हैं हम, लेकिन उनको कैश नहीं देना है, उनको कृष्ण का अर्पित किया हुआ भोग जो कि प्रसाद बन चुका है वो देना है ना, हम वो दे सकते हैं। अगर हमको प्रसाद देना है तो हम किसी को भी दे सकते हैं, फिर तो गरीब को, किसी भिखारी को, कहीं पे भी दे सकते हैं, क्योंकि वो प्रसाद दिव्यता पैदा फैलाएगा, तो
और जिसके अंदर भी जाएगा वो प्रसाद अपना काम अपने आप स्वयं करेगा और उसको कृष्ण की भक्ति प्रदान करेगा। क्योंकि हमने जाना है कि कोई भी एक बार प्रसाद खाता है तो निश्चित तौर से उसका अगला जन्म मनुष्य का होता है। आज की डेट में इस कलयुग में इतने पाप कर रहे लोग, इतने पाप कि अगला जीवन मनुष्य होगा, यही बड़ा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कोई अगला योनि अपनी मनुष्य की बना ले, निश्चित कर ले कि मैं अगला योनि मनुष्य की करूंगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नहीं तो 99% लोगों को तो मनुष्य योनि मिलनी ही नहीं, वो तो जो है 84 लाख योनियों के चक्र में गिरने वाले हैं सारे के सारे, इतने गंदे गंदे कार्य कर रहे। अपने आप में ये बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे यहाँ देखते हैं, हमारे ना जो फंड कलेक्शन जो कर रहा है इस्कॉन में या कोई भी मंदिर में, उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। आज आप किसी से भी पैसा ले रहे हो तो आपका कर्तव्य है, आपका ये दायित्व है कि उस पैसे का उपयोग कृष्ण की सेवा में हो, ये निश्चित करे। क्योंकि इस्कॉन में अगर कोई वो पैसा लेके अपने भोग में यूज कर लेगा तो ये बहुत बड़ा पाप है, इसका भुगतना पड़ेगा, अनंत काल तक उसको इस चीज का भुगतना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से हमारे इस्कॉन में जितने भी ब्रह्मचारी हैं, कम से कम उनको इतना तो नॉलेज है, इतना ज्ञान है, क्योंकि भगवद गीता पढ़ते हैं, क्लासेस होती है, कि पैसा ले रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है जिससे पैसा ले रहे हैं उसको या तो ज्ञान दें और उस पैसे का भगवान का प्रचार हो, भगवान की सेवा में लगे। मतलब बेसिकली दान का उपयोग जो होना चाहिए भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए और प्रचार के लिए होना चाहिए। पता लगा पैसा तो आ रहा है और उससे अपने ही गाड़ी घोड़ा है ना, अपने ही बढ़िया बॉर्डर वाली धोती खरीद रहे हैं और अपने लिए बढ़िया एक से एक आज तो जो है बटर पनीर बटर मसाला बनाते हैं, पैसा बहुत आया है क्या करें, रात को बढ़िया जो है शेक पियेंगे और दिन में पनीर बटर मसाला खाएंगे, फिर कल जो है तंदूरी टिक्का खा लेंगे, ये ऐसा प्लानिंग चल रही है तो वो तो पतन है, निश्चित तौर से पतन है। बहुत सूक्ष्म है ये, जो जो धन ले रहा है, आप में भी हम भी ऐसा होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं प्रभु जी ये लो ना मेरी तरफ से चढ़ा देना, आप जा रहे हो ना मंदिर, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस पैसे को छूना भी नहीं हमारे को, वो ये मान के चलो ये मेरा धन नहीं है, ये कृष्ण का धन है, ये जैसे ही कृष्ण का कोई भी व्यक्ति धन दान पत्र या दान पेटी या कोई भी मिलता है उसको तत्काल तत्क्षण उस पैसे को दे दे। अपने ऊपर ये भार न चढ़ाएं, अगर अपने ऊपर भार चढ़ा लेंगे तो उसका 100 गुना 1000 गुना देना पड़ जाएगा, फंस जाएंगे हम। ये देखो कर्म की गति बहुत खतरनाक है। अगर दान ले रहे हैं तो ज्ञान देना आवश्यक है, फ्री में आप ब्रह्मचारी भी किसी से दान नहीं ले सकता, हमारे हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु भी किसी से दान नहीं ले सकते, उनका कर्तव्य है अगर दान ले रहे हैं तो वो ज्ञान देंगे। तभी हमारे हर संडे क्लास होती है, तो फीस्ट होता है, कार्यक्रम प्रवचन होता है कि ज्ञान देना ही है, नहीं तो उनका दान व्यर्थ हो जाएगा, वो दान लेने के हकदार नहीं रहेंगे। इसलिए हर हफ्ते कथा कीर्तन का, भगवान की लीलाओं का जो है लेक्चर होता है ताकि ज्ञान मिले आपको, हम सबको जो जो दान दे रहे हैं, है ना, निश्चित है वो, नहीं तो हजम नहीं होगा, उनको हजम नहीं होगा, पतन हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। और कोई भी एक चीज और है, कोई भी शुद्ध भक्त की भक्ति के लिए अगर व्यवस्था करता है, जैसे कोई भक्ति कर रहा है और उसकी भक्ति के लिए हम सहयोग कर रहे हैं या हम थोड़ी सी उसके लिए व्यवस्था कर दे रहे हैं, तो ये कहा जाएगा, ये माना जाएगा कि आपने भी भक्ति कर ली, है ना। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल ध्रुव महाराज का, है ना, ध्रुव महाराज ने 5 साल की आयु में भगवान की प्राप्ति कर ली थी, लेकिन जब वो ऊपर जा रहे थे तब उन्होंने अपने माता का स्मरण किया, अरे मेरी माता कहाँ है, तो जो वैकुंठ के जो पार्षद आए थे उनको लेने, उन्होंने बोला देखो आपकी माता आगे वाले वाहन में आगे वाले यान में बैठी हुई है, वो आपसे पहले जा रही भगवत दाल, तो क्यों गई, क्योंकि उन्होंने ध्रुव महाराज की भक्ति की व्यवस्था करी थी, है ना। तो जो व्यवस्था करता है उसको जो है वैसी भक्ति का पाठ मिल जाता है। आज जैसे ग्रुप में कोई किसी को जोड़ देता है ना, हमारे इस ग्रह सत्यम प्रभु बहुत लोगों को जोड़ते हैं, गौतम प्रभु जोड़ते हैं और भी बहुत सारे लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ने का अर्थ ये है जो जुड़ के
इस ज्ञान के माध्यम से भक्ति में बढ़ेगा ना, उसका श्रेय भी मिल जाएगा। कहते हैं ना, अगर आपने एक भी शुद्ध भक्त बना लिया तो उसकी भक्ति आपको ऊपर उठा देगी। आपका जो है वैकुंठ गमन निश्चित है अगर वो भक्त बन गया जिसको आपने जोड़ा। क्यों? क्योंकि श्रेय मिल जाएगा, आपकी क्रेडिट हो जाएगा, आप तो उसके ऊपर हो गए। वो बेचारा 16 माला कर रहा है तो आप कहने का मतलब 17 माला करने वाले हो जाओगे, जबकि माला करोगे भी नहीं तो भी। क्यों? क्योंकि आपने जिसको जोड़ा वो 16 कर रहा है, तो आप उससे नीचे कैसे हो सकते हो? जैसे बीच में वो कंपनी आती थी ना एक, जो एमवे एमले पता नहीं क्या क्या इस तरह की, और भी क्या, कौन कौन सी कंपनियां थी जो लोग जोड़ो और पैसे कमाओ, खाली लोग जोड़ो और पैसे कमाओ, नेटवर्किंग मार्केटिंग। 9 लोगों को जोड़िए और वो इस तरह से करिए, 9 लोगों का चेन रहता था ना प्रभु जी, हाँ, नौ अलग अलग लोगों को ऐड कर। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों, मतलब जितने को जोड़ोगे फिर वो लोग मेहनत करेंगे और बैठे बैठे आप कमाओगे। ऐसे अभी वो एक पानी वाला भी चालू हुआ है, उसमें भी ऐसे ही है। कौन सा? तो पानी बोलते हैं उसको, कैनगन वाटर, कैंगन वाटर। कैंगन वाटर मतलब आपने शुरू में एक बार 10 लोगों को जोड़ लिया, उनको मशीन दे दी और वो आगे बेचते रहेंगे तो आपको उसमें से कमीशन मिलता रहेगा, मिलता है, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप उनके ऊपर चले गए तो वो जो काम करेंगे आपको मेहनत का फल मिलता रहेगा। तो वैसे ही भक्ति में भी ऐसे ही है, इजी है। एक बार भक्त जोड़ लो, ऐसे भक्तों को जोड़ो जो भक्ति करे, वो भक्ति करेंगे तो आपको श्रेय मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। तो इस तरह से जो है भक्ति का फॉर्मूला चलता है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य हम फटाफट पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली हमेशा कॉन्शियस रहना है, दान देते समय मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ। दान देते समय ये सवाल हमेशा हर कार्य में, तपस्या में, यज्ञ में, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ और मैं कैसे कर रहा हूँ, ये सवाल अपने आप से पूछेंगे हर कार्य में तो आपको जवाब मिलता चला जाएगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरे को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं दान दे रहा हूँ, ये कार्य, यज्ञ कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, बस खत्म कहानी। तुरंत आप देखोगे कि सारा कार्य आपका भगवत धाम भगवतमय हो जाएगा। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य में शील प्रभुपाद, शील प्रभुपाद की जय। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्तियों को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है, बिना सोचे समझे किसी को भी दान देने की संस्तुति नहीं है, ऐसा कार्य गलत है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। क्यों? जिसको दान देना है उसकी आध्यात्मिक स्थिति क्या है ना, हम जो दान दे रहे हैं जिसको, वो सुपात्र है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। अतः किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मसान मासांत में, या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को, या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। तो देश काल की यहाँ पे बताया गया है, बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसा दान किया जाना चाहिए, है ना। मतलब अनुपकारिणे, कोई हमको, हमने कोई, हमारे पास इन रिटर्न हमारे को कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। कई लोग गरीब को दे देते, बेचारा गरीब है, लेकिन गरीब अगर सुपात्र नहीं है तो आपका दान व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संस्तुति नहीं है। विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सोचना चाहिए और उसके बाद दान देना चाहिए। तो ठीक है, तो हम एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान है कृष्ण प्रेम का दान, है ना, कृष्ण के नाम का दान, ये सबसे बड़ा दान है। हर दान से, चाहे इसके बाद आता है अन्न दान, है ना, ये सबसे मेन दान हो गया कृष्ण प्रेम, फिर आता है अन्न, किसी का प्रसाद खिला दिया आपने तो ये भी बहुत बड़ा दान है ना। उसके बाद जो है इन काइंड में दूसरी वस्तुओं का दान, किसी की जीविका के लिए दान, फिर उसके बाद जो है किसी का जो है हृदय का जो है, हमने जैसे शोक में है कोई, परेशान है, उसका परेशानी दूर कर दी अपने वाक्यों से, अपने ज्ञान से, तो वो भी दान कहलाता है। तो इस प्रकार, लेकिन अर्थ दान जो पैसे का दान है वो सबसे आखिरी में आता है। ठीक है, तो इसमें कृष्ण के प्रेम का दान सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट दान है, उसको हमको करना चाहिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हमको करेंगे। इवन भगवान ने भी बोला है 9वें अध्याय में
यत करोषि यद अश्नासी यद जुहूसी ददासी यत यत तपस्वेसी कौन्तुए तत् कुरुष मद अर्पणम, है ना। 9:27 में भगवान बताते हैं कि तुम जो करते हो, जो खाते हो, जो पीते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, ये सोचो मेरे लिए कर रहे हो। वो करते करते ये सोचो मेरे लिए कर रहे हो, तद कुरुष मद अर्पण, मुझे अर्पण करते करते करो। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस रोहिणी नंदन प्रभु कहिए। प्रभु जी एक चीज बताइए, जैसे हम सपोज करो किसी को पैसा देते हैं, है ना, किसी की ऐसे उधारी दिए, वो कैसा यूज कर रहा है, बाद में लौटा देता है, तो क्या प्रक्रिया, मतलब क्या उसमें होता होगा? और प्रभु जी हमको किसी ने लौटाया नहीं पैसा दिए हमने, वो जैसा भी यूज किया जो भी है, तो इसमें हमको कैसा क्या लगता होगा प्रभु जी? देखो, अगर आपने किसी को पैसा दिया उधारी मांग के, उसने उधारी मांगा, प्रभु जी 10,000 दो, मैं यूज करके कुछ समय बाद आपको दे दूंगा, आप वैष्णव है, आपके अंदर दया है, करुणा है, आपने दे दिया उसको कि ठीक है चलो दे देगा, लेकिन अब वो 2 महीने बाद उसकी नीयत खराब हो गई, आपको पैसा नहीं दे रहा। तो अब एक चीज तो ये है कि आप उस पैसे के लिए थोड़ा प्रयास करो पहले तो, कि भैया मेरा पैसा मेरे पास वापस आ जाए, क्योंकि मेरे को कर्म के बंधन में नहीं फंसना है। अगर इसका पैसा फंसा रहेगा तो मेरे को लेने के लिए अगला जीवन तो आना पड़ेगा ना, अगले जीवन में वो देने आएगा, मैं लेने आऊंगा, मेरे को फंसा रह जाऊंगा। तो पहला तो इससे बचने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं चीज मिल रहा है, प्रयास लगा करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो ये सोचना चाहिए कि ये शायद मैंने पिछले जन्म में लिया था, जो इस जन्म में मैंने इसको वापस कर दिया, हे प्रभु अब मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं, अब मेरे को इसका पैसा वापस नहीं चाहिए, मेरे कर्म का बंधन खत्म हो गया, जैसी आपकी इच्छा वैसा मैं जीऊंगा, अब मेरे को वापस, अगर भावना रहेगी कि मेरे को वापस चाहिए तो आना पड़ जाए, ये भावना रखो कि अब चला गया मेरे को चाहिए ही नहीं, खत्म कान, जैसे पृथ्वी प्रभु सबका पैसा लेके भाग गए, है ना, ये एग्जाम्पल है। तो अगर जो ये सोच रहा है आज भी कि मेरे को तो पैसा लेना है लेना है लेना है सोच रहा है, तो उसको आना पड़ेगा लेना। और जिसने सोच लिया अरे ठीक है यार मेरे को शायद देना ही था, प्रभु की जो है ना, मेरे मेरे बंधन पुराने ऐसे थे कि मेरे को इनको देना था, चला गया, अच्छा हुआ मैं कर्मों से मुक्त हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, तो वो कर्म के बंधन से छूटा रहेगा। ठीक है प्रभु जी। ठीक प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, यस सोनिका माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, तिन्वित प्रणाम प्रभु जी। अगर हम श्योर ना हो किसी को देने में कि वो पैसा कहाँ लगा रहा है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम वो दान देने से पहले ठाकुर जी को समर्पित कर दें और ये प्रार्थना करें कि जो हम दान कर रहे हैं ये सही जगह पे जाए और ये गलत जगह पे ना लगा पाए, ठाकुर जी को समर्पित करके हम दे दें? क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हमें देना भी पड़ता है लेकिन हम श्योर नहीं होते, हम मना भी नहीं कर सकते, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो आप देखो ऐसा नहीं कर सकते कि प्रभु जी को पहले दान दे दीजिए पैसा, अब मैं किसी को भी दे दूं तो मैं जो है मैं निश्चिंत होकर दे देता हूं, क्योंकि मैंने तो आपको पहले अर्पित कर दिया है, वो कुछ भी यूज करे मैं उसके बंधनों से मुक्त हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो अपनी बुद्धि का कि मैं तो बुद्धिमान हूं, मैंने ऐसा कर लिया, मैं कर्मों से बच गए, नहीं नहीं आपको देखना पड़ेगा, आपको विवेक से उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे को इसको देना है कि नहीं देना। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि हम फंस जाते हैं कि देना ही पड़ता है, जहाँ पे मजबूरी में देना पड़ता है वहां पे हमको ये सोच के देना चाहिए प्रभु आप लगता है चाहते ही हैं कि मेरे से ये पैसा ये लेके जाए, तो अब आपकी इच्छा है इसलिए मैं ये पैसा दे रही हूँ, क्योंकि मजबूरी हो गई है हमारी, हमको देना ही पड़ रहा है, हम उससे पीछे नहीं हट पा रहे। जैसे कई बार जो आ जाते हैं ना हाय हाय करते पैसा मांगने के लिए, उनसे क्या करेगा आदमी, छुटकारा पाना पड़ता है तो देना ही पड़ता है, तब आदमी क्या सोचेगा प्रभु अब आपने मेरे को फंसा दिया ऐसी परिस्थिति में, मैं इससे निकल नहीं सकता हूँ, लगता है आपकी इच्छा है मैं इसको कुछ पैसा दूँ, तो आप भी इसके हृदय में बैठे हैं, आपको प्रणाम करता हूँ और आपको मैं ये अर्पित करता हूँ, तो इस तरह से करके दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं फंसे हुए हैं तो। लेकिन नहीं फंसे हैं, जबरदस्ती देख भी रहे हैं कि गुटखा खा रहा है, वो दारू पिएगा गिरेगा, उसको भी फिर पैसा दे रहा है, सोच के अरे ये दरुआ मेरे पीछे पड़ गया है, पैसा मांग रहा है पैसा मांग रहा है, इसको देना पड़ेगा, तो ऐसे में नहीं हो सकेगा काम, प्रभु जी। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम भोग लगा हुआ अगर किसी को देते हैं तो उसमें वो बुद्धि उसकी चेंज हो जाती है ना भोग से, तो ऐसे ही अगर हम ठाकुर जी को समर्पित करने के बाद देंगे तो ठाकुर जी उसकी बुद्धि को क्या पता चेंज कर दें, ऐसा नहीं है? देखो
माता जी का प्रश्न बड़ा बड़ा इंटेलिजेंट प्रश्न है, और इसमें अब देखो पैसा वो खाएगा क्या? सपोज करो आपने चलो प्रसाद दे दिया भगवान को भोग लगा के, ठीक है, वो प्रसाद जब तक खाएगा नहीं प्रसाद असर करेगा क्या? जब तक प्रसाद उसके उदर में नहीं उतरेगा, पेट में नहीं उतरेगा, वो प्रसाद असर करेगा क्या? नहीं करेगा। प्रसाद को अगर वो बेच देगा और उसकी जगह दारू खरीद के आएगा तो क्या कर लोगे? तो भी बोलोगे कि मैंने तो प्रसाद दिया था, है ना। समझिए कोई चीज को, धन कभी भी आदमी खुद उपयोग नहीं करेगा, धन से जाके कुछ ना कुछ सामान खरीदेगा। इसलिए धन को अपन ये नहीं बोल सकते कि प्रभु मैंने आपको अर्पित कर दिया, अब ये तो दिव्य हो गया, अब ये जिसके पास भी जाएगा उसके पास आपकी भक्ति लाएगा, ऐसा नहीं है। ये नहीं है, धन कभी कोई अपने लिए कैसे, ये मुश्किल है। आप प्रसाद देते हो तो प्रसाद जिसके पास भी जाएगा, प्रसाद जिसके अंदर भी जाएगा उसके अंदर भक्ति प्रदान करेगा। लेकिन धन जो है वो तो आदमी कुछ ना कुछ खरीदेगा ही, वो किसी और को ही दे देगा, अपने पास रखेगा थोड़ी। धन को क्या पोटली बना के हमेशा के लिए अपने जेब में थोड़ी रखेगा, वो इसका यूज ही करेगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि धन मैंने आपको अर्पित कर दिया, अब जो है आप सामने वाले को, मैं तो कर्म के बंधन से मुक्त हो गई, मैंने तो आपको अर्पित किया हुआ धन दे दिया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। प्रभु जी, जैसे हम ठाकुर जी को प्रार्थना करके अगर दें कि जो हम मजबूर हैं हमें देना पड़ रहा है ना, तो हम प्रार्थना करें कि ये धन वो गलत जगह पे ना लगा पाए, आप इस पे ऐसी कृपा करें, इसकी बुद्धि ऐसी देखो बनाए कि ये धन मजबूरी, गलत जगह। मैं वही कहा, अगर मजबूरी में देना ही पड़ रहा है, आपके ऊपर ऐसी परिस्थिति है कि आप उससे बच नहीं सकते हो, तो अर्पित करने की जरूरत भी नहीं है। आप मानसिक तौर पे भगवान को प्रार्थना कर सकते हो, हे प्रभु कि मेरे को इसको देना पड़ रहा है, आपकी यही इच्छा है कि मैं इसको कुछ धन दूं, शायद मेरे बंधन होंगे या शायद मुझे इसको देना है, शायद आप इसके माध्यम से बताना चाह रहे हो कि इसको शायद बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हे प्रभु आप जो है ना, मैं आपकी इच्छा अनुसार इसको ध्यान दे रही हूँ, कृपा करके हो सके तो इसको भक्ति प्रदान करें। बस ये सोच के दे सकते हो आप। जी फिर धन्यवाद। हाँ ठीक, ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान के सामने गड्डी रख दिए, 50 की गड्डी, दो तीन, और बाद में बाजार में से उड़ा रहे, ए रखो प्रसाद है, ये प्रसाद है, ऐसा नहीं कर सकते यार। ये कोई रास्ता नहीं है। कि हम तो दान भी देते हैं, ठीक है। यस रघुनाथ दास जी कहिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी कृष्ण। जैसे लिखा है, कभी कभी निर्धन को दान करुणा वश दिया जाता है, और प्रभु जी हम लोग हाँ ज्यादा वश या दान देते हैं, तो हम कैसे उनकी पात्रता चेक करें कि वो दान देने योग्य है या नहीं है? जो भी गरीब व्यक्ति रहते हैं तो उसको हम कैसे जान सकते हैं प्रभु? दान आप उसको काइंड में दे दो ना, आप पैसे मत दो ना, आप उसको सामान लेके दे दो, किसी को चाहिए तो प्रसाद खिला दो, बोलना मैं तेरे को एक बोरी चावल ला के दे दो। ज्यादा बड़ा दान देना है तो 2-10 किलो चावल दे दो, वो चावल उठाओ पहले भगवान के सामने रखो, तुलसी पत्र लगा के घंटी बजा दो, प्रभु आपका प्रसाद हो गया, अब मैं इसको दान के रूप में सबको बांटूंगा, तो उसमें से आप बांटते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सामान देना है किसी को, वस्त्र बांटने, तो वस्त्र प्रभु के सामने रख दो, हे प्रभु अब आप इसको स्वीकार करो, मैं इसको बांटने जा रहा हूँ, आपकी लोगों को भक्ति बढ़े, तो उसको जो पहनेगा, उसको जो उपयोग करेगा, उससे कृष्ण भावना भावित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसका हृदय निर्मल होगा। तो इस प्रकार से आप जी दे सकते हो, कभी पैसा देना ही है तो आप दे दो, फिर पुण्य मिलेगा आपको, पुण्य से फिर आप बंधन में आ जाओगे, फिर पुण्य से आप स्वर्ग जाओगे, अप्सराओं का भोग भोगोगे ऊपर। मतलब प्रभु जी, कुल मिला के धन ना देकर हम किसी प्रकार के वस्तु उनको प्रदान करें हाँ दान। हाँ धन ना दो, या धन धन ना दो, मैं तो जनरली कोई आता मांगने तो बोलता हूँ पहले हरे कृष्णा बोल, हरे कृष्णा बोल, हरे कृष्णा बोलते तो मैं चुपचाप चले जाऊँ, ठीक है, बस इससे बड़ा दान क्या है, और है ना। जी। कोशिश करें सामान अगर देना है तो अपने पास वो रख लें, गाड़ी में बिस्किट बिस्किट रख लें, काफी सारे छोटे छोटे पैकेट भगवान को अर्पित किए हुए, वो देते जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। तो वही करना पड़ेगा कि ऑफिस के बाहर बहुत लोग बैठे रहते हैं शनिवार को, तो उसमें से छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो लगता ही है कि ठीक देना चाहिए ऐसा करके। जी प्रभु जी, है, अरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कभी कभी तो ये जो लोग मांगने आते हैं उनको चावल देते हैं, तो बहुत सारे भिखारी लोग तो चावल नहीं लेते हैं, पैसे ही लेते हैं, और बहुत कोई चावल भी ले लेते हैं, फिर वो चावल को लोग शाम को बेच देते हैं, बेच के फिर शराब पीते हैं।
इसे समझ में ही नहीं आता है कि क्या किया जाए। क्या कर सकता हूँ, ऐसा तो परिस्थिति तो है। एकदम बहुत सारी चीजें तो समझ में नहीं आती है प्रभु जी, कितना जांच करके आप दान देंगे ये हो जाता है। आप तो काइंड में देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने चावल दिया ना, चावल प्रसाद बना के दिया आपने भोग लगा के, तो फिर आपके ऊपर कोई बंधन नहीं, आपने भगवान का भक्ति बढ़ाने के लिए ये दिया, तो फिर उसमें अब आपकी कोई दायित्व नहीं बनता कि अब वो कुछ भी करते हो। लेकिन लोग ऐसे हैं, क्या कर सकते हो भाई, आप प्रसाद भी बेच देते हैं, उसको भी बेच के दारू खरीद लेंगे, गुटखा खरीद लेंगे, है तो बड़ा मुश्किल वाला कार्य। इसलिए ऐसे आदमी को देना ही नहीं चाहिए ना। ये सुपात्र कहाँ हुए, सुपात्र में हमने पहले ही दो कंडीशन बता दी, जो ज्ञान और तपस्या से आपकी रक्षा कर सके उसी को सुपात्र कहा गया। ऐसे व्यक्ति को देना है, ना कि ऐसे लोगों को जो उठा के चावल भी बेच दे चावल भी बेच के दारू पी रहे। बाप रे, ये सत्यम प्रभु कही है। अच्छा नहीं, गौतम प्रभु का प्रश्न। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी ये कर था कि जैसे बहुत सारे जैसे लोग ड्रिंक करते हैं, सब कुछ करते हैं, कभी कोई अगर उनको प्रसाद दिया था, मतलब मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है, लेकिन क्या है कि जो है कभी कोई अगर उनको प्रसाद दिया था, बहुत जोर की भूख लगी, तो प्रसाद के साथ भी तो ड्रिंक लेते ही होंगे, मतलब जैसे ऐसे लोगों का क्या कहना है, मतलब कुछ आप कुछ नहीं करते, आपने प्रसाद दिया आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा आपका। अब वो अपने पैसे से दारू खरीद के पी रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपने प्रसाद दिया मतलब आपने अपना एकदम परफेक्ट काम कर दिया, आपने सात्विक दान दे दिया। और जगन्नाथ जी के टाइम पे महाप्रसाद जब लेके आया था तो मैं सबको दे दिया था, मतलब इवन मैं ही नहीं ले पाया था, बाकी सबको दिया था, लेकिन एक दूसरी कम्युनिटी के थे जिन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, आप सबको दे दो, ऐसा करके बोल दिया। तो ये क्या बात हुई कि आप अपने लिए ही नहीं ले पाए, हैं? वो गलती से रह गया था प्रभु। ये बड़ा गजब है। ये अपन प्लेन में जाते हैं ना तो एयर हॉस्टेस बोलती है पहले आप अपनी रक्षा करें फिर दूसरों की रक्षा करें, है? आपातकाल स्थिति में पहले अपनी रक्षा करें फिर पता लगा खुद ही गिरे पड़े हुए दूसरों को उठा रहे हैं। अरे अपनी तो सोचो, आपकी यात्रा अलग चल रही है, हमारे को खुद को हमारे को देखना, हमारा उद्धार कैसे होगा, पहले खुद करना चाहिए, खुद अपने आप का उद्धार करना चाहिए फिर दूसरों का उद्धार करना। चलो कोई बात नहीं, ये भी वैष्णव का गुण है, कृपा है ना, दूसरों पे दया भाव। ठीक है प्रभु जी, यस यस, अवॉइड कैसे करेंगे, जैसे कई बार होता है दुर्गा चंदा मांगने के लिए, गणेश चंदा मांगने के लिए बहुत सारे ऐसे घर में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो अब उसको उस स्थिति में हम उनको कैसे बोलें कि अवॉइड कैसे करेंगे, उसके लिए भी कुछ बता दें। बताया ना, जहाँ जहाँ मजबूरी हो जाती है आप नहीं अवॉइड कर सकते हो तो वहाँ ये प्रार्थना करके दे सकते हो, प्रभु अब मैं यहाँ फंस चुका हूँ, मेरे को देना ही पड़ेगा, मेरे को लग रहा है आप ही चाह रहे हो कि मैं इनको कुछ धन दूं, ऐसा जो संकेत हो रहा है, क्योंकि मैं रोक नहीं सक रहा हूँ अपने आप को, मैं कंट्रोल से बाहर हूँ, मेरी परिस्थिति नहीं है, तो ऐसी स्थिति मतलब यही है, यही माना जाएगा कि भगवान का आदेश है कि आप कुछ धन दो, तो ये मान के देना कि प्रभु आपकी इच्छा है इसलिए मैं दे रहा हूँ, अदरवाइज मेरी इच्छा नहीं है, ठीक है आपने ये ऐसी स्थिति मेरे सामने प्रकट कर दी है तो इसलिए मैं दे रहा हूँ, और कृपा करें हो सके तो इसको अपने जो भी मैं धन दे रहा हूँ आप अपने चरणों में इसको स्वीकार करें, मैं तो आप ही के लिए दे रहा हूँ, ऐसा सोच के हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत। हाँ प्रभु जी, ऐसा है प्रभु जी कि कभी भी मैं देता हूँ ना तो सामने वालों को मतलब ऐसा रहता है कि जब तक वो हरे कृष्ण ना बोले तो कुछ नहीं देता हूँ, बुलवा लेता हूँ फिर ऐसा होता है कि दे देते जैसे कुछ रहता है। तो प्रभु जी इसमें भी तो एक फायदा है ना प्रभु जी, कि भगवान का नाम भी ले रहा है। हाँ तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हरे कृष्णा तो बुलवा लिया फिर आपने उसको 10 रुपए दे दिए और 10 रुपए से जाके उसने गुटखा खरीद लिया, ये मछली की एक जो है मांस का टुकड़ा मुर्गा खा लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर फंस जाओगे आप। जी प्रभु जी, जी जी सुपात्र, इसीलिए सुपात्र कहा गया है, बहुत जरूरी है ये, इसका जो है ना इसका डिस्कशन तो मेरे को लगता है चाहे तो हम 3-4-5 क्लासेस तक चलता रहेगा दान का, क्यों, क्योंकि रोजमर्रा का जीवन है हमारा, रोज हमारे साथ ये परिस्थितियां होने वाली, तो हम कैसे समझें कि हमको किसको देना है किसको नहीं देना, तो बहुत मुश्किल है। यस बोलिए रघुनाथ दास जी।
ब्रेड बिस्किट दे सकते हैं भिखारियों को, हाँ दे सकते हो, पहले भगवान को अर्पित करके दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि हम दान दे रहे हैं किसी को और उसका वो समझ लीजिए कोई दुरुपयोग कर रहा है, तो वो कर्म हमको ही लगेगा क्या प्रभु जी? वो उसका कर्म नहीं होगा? हाँ तो इतनी देर से यही तो बात कर रहे हैं अब। आप दान दिए, उसने दारू खरीद ली, तो ये माना जाएगा कि आपने दारू खरीद के उसको दिया, तो आप भी उसके पाप में भागीदार हो जाओगे, अच्छा, है ना। उसका भोजन अगर किसी ने नॉनवेज खरीद लिया, मुर्गा खरीद के खा लिया, एक प्लेट चिकन बटर मसाला खा लिया, तो ये माना जाएगा कि उस चिकन की, उस मुर्गे की हत्या में एक छठा हिस्सा आपका भी आ जाएगा, आपको भी पाप चढ़ जाएगा, क्योंकि आपने वो सुविधाएं प्रदान करी कि वो मुर्गा कट सके। समझ पा रहे हैं? जी प्रभु तो आपके ऊपर भी पाप चढ़ गया। जी, तो मतलब जो दिया उससे सदुपयोग ही होना चाहिए, मतलब वो उससे भोजन ही खा रखा। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर से प्रभु जी सदुपयोग होना चाहिए। फंस गए क्यों? सुन के बड़ा ऐसा, इससे अच्छा तो नहीं पता था तो ठीक था, ये तो पता पड़ गया तो खतरनाक हो गया, आदमी कैसे दान दे, ये क्योंकि जनरली सत्य है। भाव वो जो भी है 10-5 रुपए तो दे दें ऐसा करके। दे देते हैं सब लोग, दे देते हैं, करुणावश दे देते हैं, क्योंकि वैष्णव का ये जो है ना, ये गुण है दया भाव, उसको लगता है कि ठीक है यार, इसको जरूरत होगी शायद। हम देखे बहुत बड़े जैसे संत तुकाराम, वो तो सब दे देते थे, जो जिस जो मांगता था उसको दे देते थे, हर चीज दे देते थे, अपने घर की उठा उठा के दे देते थे वो। अब वो भाव ही अलग है, वो अपने आप को सोचते थे कि शायद इसको बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है इसको, मेरे से ज्यादा जरूरत इनको है, मैं क्या करूंगा इस चीज का। ऐसी भावना, उनकी भावना ही मतलब एक नेक्स्ट लेवल की भावनाएं रहती थी, इसलिए वो उन सबको बंधन नहीं रखता था, हमको लगेगा लेकिन। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, तो क्लास को हम आज क्लोज करते हैं, बहुत ज्यादा समय हो गया, 7:15 हो गए हैं। कल जिसका भी अगर डाउट हो तो कल सुबह सुबह हम थोड़ी सी चर्चा कर सकते दान में, क्योंकि हरे दान कृष्ण प्रभु, सब्जेक्ट ही। यस हरे माता जी, कृष्ण अरे कृष्ण। प्रभु जी, सबसे उत्तम यही है कि मंदिर में जाके भगवान के मंदिर की पेटी में ही सबसे अच्छा दान दे देना चाहिए, सर्वोत्तम दान है ना प्रभु जी? दान बिल्कुल बिल्कुल, मंदिर मतलब वो भी मंदिर ऐसा ऐसा मंदिर नहीं जैसे मीनाक्षी माता जी बता रही है कि नहीं, दान तो आ रहे हैं, कृष्ण और उसके पंडित के घर में एसी लग रहा है उसके। मैं देखा हूँ, मैं एक शनि मंदिर जाता था पहले रायपुर में, यहाँ पे गोल बाजार में शनि मंदिर है ना, बहुत जी। दान आता है। और हाँ पता पड़ा धीरे धीरे पंडित का घर का फ्लोर बड़ा बढ़ते जा रहा है, बड़ा बढ़ते जा रहा है, उसका दान आ रहा है और घर बड़ा होते जा रहा है, एसी गाड़ी, वो सोने की चेन अंगूठिया, पंडित की बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा। तो अब समझ में आया कि ये सब नहीं करना चाहिए, गलत है ये। सुपात्र को दान देना है हमको, कुपात्र को नहीं देना, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति करे, अपने सोना चांदी अंगूठी बनाए, वो ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो हम कल कर सकते हैं चर्चा, क्योंकि कल भी जो है ना रजोगुणी और तमोगुणी दान का ही श्लोक रहेगा, तो हम थोड़ा सा दान पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, सब मिलके जी हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं यहाँ। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। सभी सभी भक्त वृंद की भक्त जय, वृंद की जय जगत जय, गुरु जगत श्रील गुरु प्रभुपाद श्रील की प्रभुपाद जय, जय जय मिटाई गौर मिटाई गौर प्रेमानंदे प्रेमानंदे। हरि 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 हरि।